हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल द सब्जेक्ट मास्टर्स। बच्चों मैं जानती हूँ कि हर टीचर आपको ये रिकमेंड करती है कि एनसीईआरटी रटो 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 रटो, बिल्कुल लाइन वाइज रटो। आई एम श्योर आपके पास बहुत सारी ऐसी वीडियोस भी आती होंगी कि क्या क्या तरीके हो सकते हैं एनसीईआरटी को बिल्कुल लाइन बाय लाइन जो है रटने की। बट आज मैं आपको वो 5 बजे बताऊंगी कि जिसकी वजह से आपको एनसीईआरटी को नहीं रटना है। बेटा एनसीईआरटी रटना एक टाइम पे हो सकता है काफ़ी इंपॉर्टेंट हो, जब बोर्ड के मार्क्स जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हुआ करते थे आगे हायर क्लासेस में एडमिशन लेने के लिए। पर अब जब से सीयूईटी आया है, एंट्रेंसेस का ज़माना आ गया है और बोर्ड के मार्क्स की इंपॉर्टेंस नहीं है, तो एनसीईआरटी को रटने की जो पॉलिसी है आज बिल्कुल ही आउटडेटेड है, बिल्कुल ही ऑब्सोलीट है। तो वो जो 5 रीज़न है जो मैं आपको आज बताने वाली हूँ जिसकी वजह से आपको एनसीईआरटी को नहीं रटना है, वो है ये। पहली बात, अगर आप एनसीईआरटी को रटते हैं तो इससे बिल्कुल आपकी जो है पर्सनल क्रिएटिविटी, पर्सनल इंटेलिजेंस, पर्सनल इनिशिएटिव सारा का सारा जो है किल हो जाता है, क्योंकि आपकी जो है सारा का सारा ध्यान जो है खुद उस टॉपिक को समझने में और उसको अपनी लैंग्वेज में इस्तेमाल करने में और उसको अपने हिसाब से इंटरप्रेट करके एक्सप्लेन करने की जगह आपका जो सारा का सारा जो एफर्ट होता है वो उसको एग्जैक्टली वर्ड बाय वर्ड रटने में लग जाता है। जबकि बहुत बार जो है एनसीईआरटी में, जैसे कि मैंने अभी एक इंस्टाग्राम पोस्ट भी डाली है कि एनसीईआरटी में कुछ टॉपिक जो है गलत भी हैं, तो आपने जो है उसको वर्ड बाय वर्ड नहीं रटना है, आपने जो है उसको अच्छी तरह से जो है समझना है। सेकेंड इंपॉर्टेंट रीजन वो है कि कॉम्पिटिशन्स में एनसीईआरटी को रटना जो है बहुत ज्यादा हार्मफुल है, क्योंकि अगर आप जो है एनसीईआरटी को रटोगे तो आपकी नॉलेज जो है सिर्फ एनसीईआरटी तक जो है वो सीमित रह जाएगी, जबकि कॉम्पिटिशन्स के लिए आपको एक बहुत वाइड वेराइटी की नॉलेज चाहिए, आपको जो है अपना होराइजन जो है बढ़ाते रहना है, ठीक है। तो जिसकी वजह से जो है आपको एनसीईआरटी नहीं रटनी है, क्योंकि किसी भी कॉम्पिटिशन में, किसी भी एग्जाम में, किसी भी एंट्रेंस एग्जाम में ये नहीं कहा जाता कि 100% जो है सिर्फ एनसीईआरटी की रटी हुई स्टेटमेंट्स ही आएंगी, क्योंकि आपको जो है उसको डिफरेंट डिफरेंट एंगल से इंटरप्रेट करना भी आना चाहिए। तीसरा रीजन जिसकी वजह से जो है आपको जो है एनसीईआरटी को नहीं रटना, वो इसलिए क्योंकि बेटा जो कंपनीज होती हैं, क्योंकि फाइनली आप किस लिए पढ़ाई कर रहे हो, क्योंकि आपको आगे जाके एक अच्छी जॉब करनी है या एक अच्छी कंपनी खोलनी है। आपको जब एक कंपनी खोलोगे या एक पहले जब आप शुरुआत में जब जॉब करोगे, जैसे कि जो चाइना के भी जो है वो जैकमा बोलते हैं कि पहले कुछ साल नौकरी करो, पहले समझो एंड देन उसके बाद जो है अपनी कंपनी खोलो, तो जब आप जॉब करोगे तो कंपनीज जो है बुक वॉर्म नहीं चाहती, वो ये नहीं चाहती कि बिल्कुल ही बंदे का दिमाग टोटली बंद हो और जो लिखा हुआ बस उसी को रटता रहे और उसी हिसाब से करता रहे। वो चाहती हैं कि आपका अपना दिमाग खुला हुआ हो, आपके अंदर कुछ क्रिएटिविटी हो, आपके अंदर कुछ स्पेशल चीज हो। तो अगर आपको अभी से जो है सिर्फ रट्टा मार मार के जो है आगे आने की आदत पड़ जाएगी तो फिर आपके अंदर वो क्रिएटिविटी खत्म हो जाएगी और कंपनी जो है इस चीज को बहुत सीरियसली लेती है, वो बुक वॉर्म्स नहीं चाहती। फोर्थ रीजन जिसकी वजह से जो है आपको एनसीईआरटी नहीं रटनी है, क्योंकि एनसीईआरटी अगर आप रटेंगे तो आप जो है प्रैक्टिस किस चीज की कर रहे हो, सेक्रेटरीज बनने की, डिक्टेशंस लेने की, कि जो लिखा हुआ है बिना अपना दिमाग लगाए उसको उतारते जाओ, उसको कॉपी करते जाओ, ठीक है, और उसी को जो है रट्टा मार के जो है एग्जाम में दे दो। आप जो है बिल्कुल भी अपना दिमाग नहीं लगाओगे, जबकि आपने जो है प्रैक्टिस सेक्रेटरी बनने की नहीं करनी। आपने क्या करना है, आपने कंट्री का फ्यूचर सीईओ बनना है, जो है कंट्री का, अपनी कंपनीज का, किसी का भी एक बहुत हाई लेवल पे सीनियर जो है मैनेजर बनना है। तो जिसकी वजह से जो है आपको जो है अपना होराइजन जो है बढ़ाना पड़ेगा और अपनी मेंटल फैकल्टीज बढ़ानी पड़ेंगी, और वो तभी पॉसिबल होगा जब आप अपने माइंड को ट्रेन करोगे अपने हिसाब से टॉपिक को समझने के लिए, एनालाइज करने के लिए, ना कि जो है आपको एक सेक्रेटरी की तरह जो है डिक्टेशन लेने की। फिफ्थ मेन रीजन अगर आप एनसीईआरटी करेंगे तो आपकी जो नॉलेज है वो करंट अफेयर्स तक नहीं रहेगी, या जो करंट आजकल की सिचुएशन है उसके ऊपर नहीं रहेगी, बल्कि पास्ट को लेकर रहेगी, क्योंकि एनसीईआरटी आफ्टरऑल कुछ साल पहले लिखी गई थी और जब वो लिखी गई थी तो उससे भी पहले साल के जो है इंसिडेंट्स को जो है उसमें बताया गया था। तो अगर आप उसको रटेंगे तो आपकी नॉलेज जो है बिल्कुल पास्ट को लेकर रहेगी, आपकी नॉलेज ना तो करंट को लेकर रहेगी ना फ्यूचर में क्या होने वाला उसको लेकर रहेगी, जबकि जब आप कंपनीज में जाएंगे तो कंपनीज आपको क्यों नौकरी देती है, वो आगे के फ्यूचर के डिसीजन के लिए नौकरी देती है आपको। पर अगर आपको आज का करंट सिचुएशन ही नहीं याद है, आपको तो सिर्फ पास्ट का याद है, तो आप क्या कंपनीज के लिए डिसीजन ले पाएंगे। इसीलिए इन 5 कारणों की वजह से, बहुत 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 वजह से, मैं आपको बहुत सीरियसली रिक्वेस्ट कर रही हूं कि प्लीज एनसीईआरटी को रटने की ये जो प्रैक्टिस है या जो प्रथा है प्लीज उसको जो है एंड कर दीजिए, अगर आप जो है आगे बढ़ना चाहते हैं और पर्टिकुलरली अगर आप रुचि मैम की तरह हर एंट्रेंस एग्जाम को फर्स्ट शॉट में जो है क्लियर करना चाहते हैं।